उदयपुर की फिजाओं में गजल, शायरी, कला, साहित्य, कवि सम्मेलन जैसे कई रंगों की रुमानियत को घोलने के लिए 23 से 26 मार्च को साहित्य, कला और संस्कृति की महाकुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साझे में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में राजस्थानी, उर्दू और हिंदी का संगम होगा, जिसे रूह नाम दिया गया है। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक शिवराज सोनवाल ने बताया कि 23 मार्च को प्रणवीर प्रताप नाट्य मंच से मेला का शुभारंभ होगा। 24 मार्च को राजस्थानी भाषा के दिन अर्जुन देव चरण, आईदान सिंह भाटी, राजवीर सिंह चलकोई, पुरुषोत्तम पल्लव जैसे प्रसिद्ध चेहरे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएंगे। शाम को राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय गायक कलाकार नारायण गंधर्व और मारीशा दीक्षित प्रस्तुति देंगे। 25 मार्च का दिन उर्दू भाषा को समर्पित रहेगा। मेला की उर्दू भाषा संयोजक डॉक्टर सरबत खान ने बताया कि महेंद्र मोदी, हदीस अंसारी, अब्दुल जब्बार, अश्वनी मित्तल के साथ उर्दू भाषा और शायरी के बीते दौर और आगामी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इस दिन गजल विद कैनवास थीम में जहां चित्रकार गजल की प्रस्तुतियों पर अपनी कल्पनाओं को कैनवास उतारेंगे। समापन दिवस 26 मार्च को हिंदी भाषा के सत्रों का आयोजन होगा। इस दिन गुलाबों, किताबों, प्रेम संगीतकार अनुज गर्ग और गीतकार दिनेश पंत हिस्सा लेंगे। नाटककार भानु भारती, राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष दूला राम सहारण, पत्रकार प्रताप राव साहित्य के मायनों पर चर्चा करेंगे। भी तो हम लोग 23, 24, 25, 26 को एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको साहित्य संस्कृति उत्सव आप कह सकते हैं। उसका नाम है मेला, और मेला में MELLA मतलब मर्जिंग एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर आर्ट। इसके पीछे थोट ये उदयपुर के जितने कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और अपनी अपनी विधा के साथ इसको एक गरिमा प्रदान करके उस ऊँचाइयों पर ले जाए, कला और साहित्य की ऊँचाइयों पर, जिससे नई पीढ़ी भी उससे प्रेरित हो और उससे जुड़े। तो हम लोग ये 23, 24, 25, 26 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें 23 तारीख को एक नाटक जिसको मैंने डायरेक्ट किया प्रणवीर प्रताप, वो राजस्थानी और उर्दू में है, उससे हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो आपके द्वारा मैं पूरी शहर की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि वो आए, जुड़े उस प्रताप के इस गरिमापूर्ण और गौरवमयी गाथा को देखें मेवाड़ी में घटते हुए। फिर 24 तारीख से राजस्थानी के साथ सेशन है, जो मूर्धन्य जो साहित्यकार हैं सब लोग, आयदान सिंह जी भाटी जैसे और अर्जुन देव चारण और मधु आचार्य जैसे लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं, और नए भी यहाँ से राजस्थानी से लोकल भी सब जुड़ रहे हैं। तो दिन भर राजस्थानी के सेशन से, और शाम को एक रंगारंग शाम है उदयपुर के कलाकारों द्वारा, मारीशा दीक्षित और जो नारायण गंधर्व उनके साथ राजस्थान के गीत संगीत की, और फिर हमारे जो बड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है विजयलक्ष्मी आमेटा जी, उनका एक ग्रुप विरासत ग्रुप है, वो यहाँ पर डांस और संगीत का पूरा एक बहुत अच्छा नृत्य का इनका फोक आर्ट का उसका एक नज़ारा प्रस्तुत करेंगी। इसी तरह हमारे 24-25 से हमारे उर्दू के सेशन होंगे, जिसमें अलग अलग लोग मार, अश्विनी मित्तल है, आलोक श्रीवास्तव बहुत सहजता से उपलब्ध है हमको, उनका एक शाम को पूरा आलोक नामक करके सेशन है। तो उर्दू से भी कई बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, लैंग्वेज पे बात, जैसे कि वैभव मोदी हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट मुखबिर सीरियल जो अभी बना है उसके स्क्रीन प्ले राइटर और उसके प्रोड्यूसर हैं, वो उर्दू और उर्दू हिंदी सिनेमा में उर्दू हिंदी नज़दीकों पर बात करेंगे। ऐसे ही गुलाबो सिताबो फेम और साहब बीवी गैंगस्टर के संगीतकार और जो गीतकार हैं दिनेश पंत और अनुज गर्ग, वो आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों से, और 26 को भी जैसे बड़े पत्रकार प्रताप राव जी और कुमार अनुपम जी, इसी तरह उदयपुर के सब साहित्यकारों के साथ पूरे भारत भर से जो लोग आ रहे हैं उन सबका एक मेला है। राजस्थानी में अभी राजस्थानी युवा समिति पे जो राजवीर सिंह जी चलकोई है वो आ रहे हैं, जो राजस्थानी पे बात करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे। तो आप सब मीडिया से आह्वान है कि इस दिन आएँ और सब तरह का इसका लुत्फ उठाएं, पब्लिक से इसका आह्वान करें। थैंक यू।